नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 29 सितंबर वर्ष 2021 और हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। पोर्शन पूरा हो चुका है। तो 2.2 करना है अपने को रिवीजन में। तो 2.2 का दूसरा सवाल कौन करके दिखा सकता है? सर मैं करूं? तो एक सेकंड, कौन करेगा इसको? अनुज? हाँ सर। ठीक है अनुज, करो। सर आकृति बनाओ। नहीं बनाओ तो भी चलेगा, किताब में आकृति दिया ही है। सर डायरेक्ट आंसर लिखो। हाँ डायरेक्ट आंसर चलेगा। हो गया ये आपने? अच्छा ये पहले का दूसरा किया है क्या? हाँ सर। ओके सर दूसरा किया है। हाँ हाँ 6x 6x। एक बार वीडियो चालू करो, बंद क्यों कर दिया? ठीक है सही है बेटा, सही है। हाँ सर। अबे सेकंड वाला कौन करेगा? सेकंड वाला पहले का तो पहला दूसरा हो गया। अब प्रश्न दो। सर मैं करूं? किसने बोला? वापस अनुज? हाँ सर। शीतल आज आप शांत हो, क्या बात है? सर मुझे दूसरा नहीं आता है। नहीं आता है? नहीं सर। सर आप बता दीजिए ना। ठीक है मैं बताता हूँ एक बार, चलो दूसरा सवाल मैं समझा दे रहा हूँ। दूसरे सवाल में क्या है, रेखा P है और ये रेखा P है और रेखा Q है। रेखा P और Q दोनों समांतर हैं। T तथा S तिर्यक रेखा है। रेखा T और S तिर्यक रेखा है। तो मुझे ना 2.2 का दूसरा और ये तीसरा चौथा भी नहीं समझ आया था। क्या शीतल? मुझे 2.2 का दूसरा भी नहीं समझ आया था और तीसरा चौथा भी नहीं आया था। ठीक है मैं समझाता हूँ, चलो। एक इसको यहाँ लेना पड़ेगा।
हाँ ये समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे पी और क्यू समांतर हैं, ऊपर की और नीचे की लाइन ही समांतर हैं, लेफ्ट और राइट तिर्यक रेखा है, तो जो ऊपर और नीचे की रेखाएं समांतर है तो ऊपर और नीचे के कोण ही लेना है, लेफ्ट और राइट का मत ले लेना क्योंकि वो समांतर नहीं है। तो क्या ज्ञात करना है हमको, हमको ज्ञात करना है कोण x तथा y के माप। चलो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, बता दे रहा हूँ मैं। हमको यहाँ पर x ज्ञात करना है, तो बीच में इस कोण को मैंने n ले लिया है क्योंकि यहाँ पर ये कोण का संबंध 40 से भी बन रहा है, x से भी बन रहा है। 40 के साथ ये क्या संबंध है, रैखिक युगल कोण का संबंध है, और x के साथ क्या संबंध है, x के साथ ये संगत कोण बना रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पर इसको मैंने n ले लिया। तो सबसे पहले ये n निकाल लेंगे, कैसे, ये कोण n और 40 ये रैखिक युगल कोण है, तो रैखिक युगल कोणों के मापों का युगफल 180 अंश होता है, तो इसलिए n प्लस 40 180 अंश हो जाएगा। 40 को वो साइड ले लो तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 40 करेंगे n 140 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, x, तो ये x और n ये दोनों संगत कोण हैं, तो इसलिए x और n बराबर होंगे, x बराबर n बराबर एक, दोनों बराबर होंगे लेकिन n 140 है तो इसलिए x भी 140, कारण एकांतर कोण। यहाँ तक समझ में आ गई है बात? तो ये शीतल आप समझे कि नहीं बेटा? शीतल समझी बेटा? हाँ सर समझी। हाँ अब हम लोग y ज्ञात करेंगे, y देखो कोण y ये रहा, तो हमको ऊपर और नीचे के ही कोण लेने हैं। हमको x मिल चुका है, देखो x, तो y कैसे निकालेंगे, यहाँ भी देखो ये 70 दिया है नीचे, तो देखो ये अगर मैं ये कोण यहाँ ले लेता हूँ m, तो देखो ये 70 के साथ भी इसका संबंध है और y के साथ भी संबंध है, 70 के साथ शीर्षाभिमुख है, y के साथ ये अंतः कोण है, तो इसलिए इस कोण को मैंने m मान लिया। शीर्षाभिमुख पता है ना सबको, शीर्षाभिमुख सामने सामने कोण, x जैसा आकार, x जब x जैसा आकार होता है तो सामने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। तो यहाँ कोण m और ये 70 दोनों शीर्षाभिमुख हैं, तो m का माप 70 अंश हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, फिर m हमको मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, y चाहिए, तो देखो y और m ये दोनों अंतः कोण बना रहे हैं, और ये रेखा समांतर भी है, p और q समांतर भी है, तो यहाँ अंतः कोण 180 अंश आ जाएगा। यस, तो हम लोग लिख सकते हैं कि y प्लस m बराबर 180 अंश, कारण अंतःकोण। अब हमको m का माप 70 मालूम है, तो m की जगह पे 70 आ जाएगा, y ज्ञात करना है, y m 70 है, 180 है, 70 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, y बराबर 180 माइनस 70, तो ये 110 हो गया, बराबर। हाँ सर, इस तरह से y 110 हो गया। तो y 110 हो गया, तो दोनों चीज मिल गया, x और y दोनों मिल गया, इस तरह से दूसरा सवाल है, ये समझ में आ गया? हाँ सर समझ गए। हाँ सर, तो आप नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करेंगे तो खुद से करना इसको, एक बार घर पे भी खुद से करना। हाँ सर, इसके बाद मैं करने वाली हूँ। हाँ, फिर अब हम लोग आगे का सवाल देख लेते हैं। तो आगे का भी सवाल नहीं समझा आप लोग को? नहीं सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये कोण m 80 के साथ अंतः कोण बना रहा है और a के साथ शीर्षाभिमुख बना रहा है,
इसलिए इस कोण को मैंने m मान लिया है। तो पहले m निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, m प्लस 80, कोण m प्लस 80 डिग्री, ये 180 डिग्री आ जाएगा क्योंकि अंता कोण है ये ना, ये दोनों अंता कोण है। यस सर। अब देखो m a के बराबर है, m जो है वो a के बराबर है क्योंकि m और a शीर्षाभिमुख है, m और a शीर्षाभिमुख है। तो सीधा हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, m के जगह पे सीधा a लिख देंगे क्योंकि m और a बराबर है, तो m प्लस 80, तो उसको a प्लस 80 भी लिख सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना कोण m बराबर कोण a, समझे कि नहीं। हाँ सर। कारण लिख देना, m और a क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, कोण m बराबर कोण a शीर्षाभिमुख कोण, तो इसलिए m के जगह पे a आ गया। अब 80 यहाँ से दोनों तरफ से 80 माइनस कर दो, इधर 80 से माइनस कर दें तो 80 कट हो जाएगा, सिर्फ कोण a बचेगा। यहाँ पे भी 180 माइनस कर दो, 80 माइनस कर दिया तो कोण a आ जाएगा 100 डिग्री। समझ में आई बात? यस सर। इस तरह से कोण a मिल जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, b निकालना है, b। तो b का संबंध किसी के साथ बन रहा है, b का संबंध, b का रिलेशन, संगत कोण c के साथ बन रहा है। यस, संगत कोण बन रहा है c के साथ, लेकिन c का माप हमें पता नहीं है, हमको अभी तक सिर्फ a का माप पता है। हमको यहाँ तीन माप मिले हैं, 80 डिग्री, ये m मिल चुका है, a मिल चुका है। ये 80 है, m 100 है, a 100 है, तो ये 1, 2, 3, ये तीन कोण के साथ कोई रिलेशन है क्या b का? सर संगत कोण है a के साथ। कैसे संगत कोण है बेटा, a तो इस तरफ है, b इधर है, अगर ये b ये साइड होता तो संगत कोण होता। तो B कैसे निकलेगा, फिर से अपने को कोई ऐसा कोण लेना पड़ेगा जिसका माप जो दिए गए माप के भी बराबर हो और B के भी, B से भी कुछ बनता हो। सर वहां पे कोई भी एक माप लेंगे B के बाजू में, B के बाजू में, इधर नहीं सर, इधर इधर नीचे, हाँ। ये साइड में, हाँ इधर भी ले सकते हैं क्योंकि, हाँ, अगर मैं इधर कोई कोण लेता हूँ तो A के साथ संगत कोण बन जाएगा, संगत कोण बनेगा सर, और B के साथ वो रेखीय युगल कोण बन जाएगा। हाँ सर। यस, तो इधर मैं n ले ले, इसको अगर मैं n ले लेता हूँ तो देखो ये जो कोण n है और ये जो कोण A है ये संगत कोण है, संगत कोण के माप बराबर होते हैं, तो A 100 है तो n भी 100 हो जाएगा। यस सर। फिर ये n और ये b, ये दोनों रेखीय युगल कोण है, रेखीय युगल कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यस सर। तो n प्लस b 180, a 100, तो n 100 है ना, a और n 100 था तो ये 100 हो गया, तो ये 80 हो जाएगा क्योंकि दोनों मिला के 180 होना चाहिए। हाँ सर। इस तरह से b मिल जाएगा। हाँ सर। हाँ, तो कैसे, ये जो पहले कुछ भी जब कोण लिखते हैं ना तो ऐसे लिखना चाहिए, माना माना कोण n आकृति अनुसार है, माना कोण n आकृति अनुसार है, आकृति अनुसार है। अब ये जो कोण n है और ये जो कोण a है ये संगत कोण है इसलिए बराबर होंगे, a 100 है, n a के बराबर है और a 100, a का माप 100 है तो कोण n भी 100 हो जाएगा। हाँ सर। कारण संगत कोण, संगत कोण। अब हमें b निकालना है। तो देखो ये जो कहा गया, ये जो b है और n है,
ये रेखीय युगल कोण वाला टी जैसा आकार बना ना, बी कोण बी और कोण एन मिलके टी जैसा आकार बना रहा है। इंग्लिश में उसको लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं और हिंदी में रेखीय युगल कोण बोलते हैं। टी जैसा शेप बन रहा है ना, तो यस इनको अगर प्लस करेंगे दोनों को तो 180 आना चाहिए। तो इसलिए कोण बी प्लस कोण एन, कोण बी प्लस कोण एन मिला के हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि ये रेखीय युगल कोण है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। सर टाइम हो गया है। अच्छा रेखीय युगल कोण, अब इसमें एन का माप 100 है तो 100 हो गया, ये 180, 100 वहां जाके माइनस हो जाएगा तो कोण बी हो जाएगा 80 डिग्री। ये हो गया कोण बी का माप। yes, फिर कोण बी मिलके फिर सी सी मिल जाएगा, क्योंकि सी और बी देखो एफ जैसा आकार बना रहे, यानी संगत कोण है। संगत कोण तो वो भी 180 अंश। यस, तो कोण सी जो है कोण बी के बराबर होगा और बी 80 डिग्री है तो कोण सी भी 80 डिग्री हो जाएगा, कारण संगत कोण। इस तरह से 2.2 करना है। तो कल एक बार वापस से 2.2 रिवाइज करते हैं फिर से। हाँ चौथा पांचवा सवाल तो है ही नहीं, इसमें रिड्यूस है, सिर्फ एक ही सवाल बचा है। ये भी शॉर्टकट में बता ही देता हूँ, ये तो एकदम आसान है। देखो है एक्स और 105 संगत कोण है तो एक्स बराबर 105। हाँ मेरे कॉपी के अंदर है। क्या नोटबुक में है? मेरे नोटबुक में है। देखो ये एकदम आसान है ना, Z देखो 105 से रेखीय युगल कोण है, X संगत कोण है, Y शीर्षा विमुख कोण है X का, तो ये तो आसान है, चौथा सब लोग कर लेंगे। हाँ सर कर लेंगे। तो ठीक है 2.2 एक बार वापस से रिवाइज करके रखना और 3.1 और 3.2 भी करके रखना। थर्ड चैप्टर तो एकदम आसान है, तो ये रिवीजन करके रखना आप लोग। आपका ये अटेंडेंस ले लूँ एक बार जरा? सर कौन कौन है? अनुज यादव। कितने लोग हैं टोटल लेक्चर में? 1, 2, 3, 4, 5, 13। 13 से आगे नहीं आते हैं बाबा। हिंदी के लाइव क्लास में आए थे 22 लोग आते हैं। ये तो बहुत गलत बात है, मैथ्स में नहीं आ रहे हैं। चलो अनुज यादव। यस सर। मालवी नीलेश। प्रेजेंट सर। परमार लक्ष्मी। यस सर। चौहान खुशी। प्रेजेंट सर। पवन साव। राहुल परिहार। प्रेजेंट सर। कनौजिया नंदिनी। सर पवन ने तो अटेंडेंस दिया ही नहीं। पवन उसकी आवाज नहीं आ रही, अटेंडेंस दे रहा पर आवाज नहीं आ रही है। कनौजिया नंदिनी सर दे रहे हैं। हाँ रमेश कुमार। शीतल प्रेजेंट सर। शबनम शेख। यस सर। सौरभ सैयद। यस सर। पाल श्रुति। यस सर। ग्रानी गुप्ता। प्रेजेंट सर। ओके बेटा चलो जो होमवर्क दिया वो आप लोग सॉल्व करना, ठीक है? चलो सर आपने मेरा नाम नहीं लिया। किसका नाम नहीं लिया? सर मेरा नाम भी नहीं लिया आपने। लिया बेटा आपने, आपने बोला मेरा नाम नहीं लिया। नंदिनी वो आपका नाम लिया था मैं, आपने अटेंडेंस दिया ही नहीं। ठीक है रमेश कुमार का नाम क्या है? सिंह कुसुमलता। कुसुमलता ओके बेटा ठीक है चलो हो गया अटेंडेंस। चलो बाय बेटा। बाय सर। बाय सर।